हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सा मैंगो जैम। जैसे कि गर्मी का सीजन चल रहा है और कैरी जो है अभी मार्केट में आई हुई है और बस कुछ ही दिनों के लिए है, तो मैंने सोचा जाते जाते क्यों ना मैंगो जैम बना लिया जाए, जो कि बच्चे और बड़े दोनों को ही पसंद आता है और आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ली है कच्ची कैरी और इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है और इसको डाल दिया है एक कुकर में। तो इसको आज हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और एक कटोरी मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी और दो विसल इसके अंदर हम लगवा लेंगे और प्रेशर जो है इसका रिलीज नहीं करेंगे। और साथ ही डाल दिए मैंने दालचीनी और बस इसमें अब दो सीटी लगवा के और जितना भी इसका प्रेशर है उसमें इसे कुक होने देंगे। और खोलने के बाद देखिए जो हमारी कैरी है ये अच्छे से कुक हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया से मैश हो रही है। तो बस हल्के हाथों से हम इसको मैश कर देंगे जितनी हमसे मैश हो सकेगी, तो बहुत ही इजीली ये मैश हो जाएगी। और आज हम इसके लिए कोई मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज़ नहीं करेंगे। देखिए मैश हो गई है ये और बस इसको अब हम एक स्ट्रेनर से छान लेंगे। मोटी जाली का स्ट्रेनर लीजिएगा ताकि जो मैंगो का पल्प है हमें अच्छी क्वांटिटी में मिले। तो यहाँ पर सारा मैंने पल्प जो है निकाल लिया है देखिए, और ये बस लास्ट में थोड़े से रेशे बचे हैं और दालचीनी बची है तो इसको हम निकाल देंगे। तो ये हमारा मैंगो का पल्प हो गया है रेडी। और अब इसके अंदर हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंगली शुगर। आप चाहें तो इसको गुड़ से भी बना सकते हैं अगर आप इसको शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी के करीब डाल दी है चीनी। तो चीनी की क्वांटिटी जो है आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर गुड़ डाल सकते हैं या फिर मिश्री जो आती है धागे वाली वो भी इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो चीनी को देखिए मैंने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लिया है। पल्प हमारा हल्का गर्म है तो चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तुरंत ही। और अब चलते हैं हम गैस की तरफ और इसको करते हैं कुक। तो कुक करने में मुश्किल से मुश्किल आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे और आपका होममेड मैंगो जैम बन के हो जाएगा रेडी। तो बस यहाँ पर अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और फ्लेम जो है मीडियम रखना है हमें, मीडियम फ्लेम पे हम इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे। तो बीच बीच में आप इसे चलाते रहिएगा नहीं तो जो हमारा मैंगो है वो नीचे लग जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे से देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अभी इसका कलर अलग है, जैसे जैसे ये कुक होएगा ये हल्का हल्का सा ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। तो बस यही निशानी है कि हमारा जो जैम है बन जाएगा। तो यहाँ पर चीनी देखिए अच्छे से घुल गई है और इसके अंदर हल्की हल्की सी झाग टाइप में आपको दिख रही होगी। तो बस इसी तरीके से हम कंटिन्यूसली इसको कुक करेंगे जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। और बहुत ही हल्का सा 2 पिंच के करीब मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है ताकि जो हमारा चीनी और खटाई है इसका ये बैलेंस कर सके। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिए नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसकी झाग खत्म हो गई है और मोटे मोटे से देखिए इसके अंदर बबल आने लगे हैं और जो हमारा जैम है इसका कलर भी ट्रांसपेरेंट हो गया है। पहले आपने देखा होगा किस तरीके का था और अब देखिए किस तरीके का है। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए अभी जब हम इसको इस तरीके से गेर रहे हैं तो ये बैचेस में गिर रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा जैम है परफेक्ट बन गया है। अब इसको हम एक प्लेट पे निकाल के देख लेते हैं। इसको चेक करने का तरीका क्या है, एक प्लेट पे आप इसको निकालिए और इसको हल्का ठंडा होने दीजिए। अगर तो ये लिक्विड गिर रहा है तो इसका मतलब आपका जैम परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं तो ये गिर नहीं रहा है, अपनी जगह पे उसी तरीके से है। तो बस गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसको हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद ये और जम जाएगा। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसको हम सर्व कर लेते हैं एक बर्तन में। कितना बढ़िया देखिए हमारा मैंगो जैम बन के तैयार हुआ है और इसकी थिकनेस और इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया है। तो जब ये ठंडा होगा तो और जम जाएगा। तो बस रेडी है हमारा बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सा होममेड मैंगो जैम। आप चाहें तो इसके अंदर फूड कलर भी डाल सकते हैं, ग्रीन कलर, बट मैंने इसको इसका ओरिजिनल रंग ही रहने दिया है। तो इसको आप स्टोर भी करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता। तो इस समर में ज़रूर बनाइएगा आंबी के जाने से पहले पहले। और आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और मेरी वीडियोज़ को इंजॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।